नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। आंगनवाड़ी सेविकाओं को 9500 और सहायिकाओं को 4750 रुपए मानदेय मिलेगा। अब आंगनवाड़ी सेविका को हर माह 9000 की जगह 9500 और सहायिकाओं को 4500 की जगह 4750 रुपए मानदेय मिलेगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बुधवार को हरिवंश टाणा भगत इंडोर स्टेडियम खेलगांव रांची में की है। इस मौके पर उन्होंने सर्वजन पेंशन योजना के तहत 50 से 60 वर्ष के लाभुकों के बीच पहली किस्त की राशि का हस्तांतरण किया। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री ने 1,58,218 आदिवासी दलित और महिला लाभुकों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से वृद्धा पेंशन की पहली किस्त के रूप में 31,64,36,000 रुपये हस्तांतरित किए हैं। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, राज्य गठन के 24 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन आदिवासी मूलवासी का जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। राज्य में सबसे अधिक शासन करने वाली भाजपा को राज्य के आदिवासी मूलवासी अल्पसंख्यक व पिछड़ा समुदाय के प्रति कोई हमदर्दी नहीं था। इनकी नज़र सिर्फ इनकी खनिज संपदा पर थी, इसलिए भाजपा ने उन्हें ठगा है। भाजपा ने सिर्फ अनर्गल प्रचार प्रसार करने में अपना समय व्यतीत किया है। ईडी के समन की अवहेलना मामले में हेमंत सोरेन पर चलेगा मुकदमा। झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से समन की अवहेलना मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के शिकायतवाद पर सीजीएम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 147 के तहत संज्ञान लिया है। अब इस मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलेगा। मामले में कोर्ट ने हेमंत सोरेन को समन जारी करने को कहा है। समन के बाद हेमंत सोरेन को कोर्ट की अगली सुनवाई में हाजिर होना होगा। अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। इस मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े मामले में हेमंत सोरेन को 10 बार समन किया गया था, इसमें से सिर्फ 2 समन पर ही हेमंत उपस्थित हुए थे। ईडी ने कोर्ट को बताया है कि बाकी के 8 समन पर हेमंत का उपस्थिति नहीं होना समन की अवहेलना है। श्री राम लला दर्शन के लिए यात्रियों का जत्था रवाना। गोड्डा रेलवे स्टेशन में बुधवार को सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे देवघर से ट्रेन पर सवार होकर गोड्डा पहुंचे। डॉक्टर दुबे ने एक साथ 2 कार्यक्रमों को संपन्न कराते हुए शाम 4 बजे स्टेशन से श्री राम लला अयोध्या के दर्शन को लेकर स्पेशल आस्था ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देवघर से गोड्डा पहुंचे डॉक्टर दुबे के साथ धर्मपत्नी अनुकांत दुबे भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मंच से संबोधित करते हुए डॉक्टर दुबे ने कहा है कि जो सौगंध राम की खाई थी आज मंदिर भी वहीं बन गया है। गोड्डा के लोग भाग्यशाली हैं कि आज यहां से 650 यात्रियों को लेकर अयोध्या के लिए ट्रेन रवाना हुई है। सभी यात्रियों के खाने पीने व ठहराव की व्यवस्था भाजपा कर रही है। श्री दुबे ने कहा है कि श्री रामचंद्र जी को मंजूर था, इस वजह से 5 मार्च के पहले 6 मार्च को उनके ही हाथों हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया गया है। सीएम चंपई का अधिकारियों को सख्त निर्देश, कांटा टोली फ्लाई ओवर निर्माण में तेजी लाए। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बुधवार को कांटा टोली और सीरम टोली फ्लाई ओवर के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। सीएम ने कांटा टोली में निर्माण कर रही कंपनी के अधिकारियों से कहा है कि मार्च अप्रैल तक काम करने का निर्देश था, इसके बावजूद काम में तेजी नहीं दिख रही है। इस पर कंपनी के अधिकारियों ने कहा है कि हम लोग काम में तेजी लाने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम ने कहा है कि इसे गंभीरता से ले, यह सरकार की प्राथमिकता में है। इसके बाद उन्होंने सीरम टोली फ्लाईओवर का जायजा लिया। पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार ने बताया है कि यहां काम में तेजी है। रेलवे क्रॉसिंग पार करने की प्रक्रिया चल रही है जो जल्द ही पूरी हो जाएगी। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि कांटा टोली फ्लाईओवर के निर्माण की गति संतोषजनक नहीं है। निर्माण करने वाली कंपनी को हर माह रिपोर्ट करने को कहा गया है। झारखंड कैबिनेट का फैसला, राज्य के गरीबों को दाल और नमक मुफ्त। झारखंड मंत्रिपरिषद ने दाल वितरण योजना और नमक वितरण योजना का नाम बदल दिया है। अब इसका नाम मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना और मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना कर दिया गया है। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने वाले लोगों को 1 किलो चना दाल और 1 किलो नमक मुफ्त देने का फैसला लिया है। पहले इसके लिए उनसे 1-1 रुपये लिए जाते थे। कैबिनेट ने इसके लिए राशि का अतिरिक्त भार वहन करने पर भी सहमति दी है। मंत्रिपरिषद की बैठक में धान अधिप्राप्ति के लिए करीब 1.32 अरब की रिवॉल्विंग फंड भी स्वीकृति पत्र पर सहमति बनी है। मंत्रिपरिषद ने यह भी फैसला लिया है कि स्वयं सहायता समूह महिला कृषकों को कृषि संयंत्र की खरीद के लिए अब 80% अनुदान दिया जाएगा। पहले यह अनुदान 40-50% था, लेकिन इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है।
15.36 लाख बच्चों को मिलेगा अंडा, उद्योग लगाना होगा आसान। आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को अंडा देने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने इसमें आ रही समस्या को दूर करने का अहम निर्णय लिया है। अब खुद आंगनवाड़ी सेविका बाजार से अंडा खरीद सकेगी। इसके लिए सरकार प्रति अंडा 6 रुपए के हिसाब से सेविका को भुगतान करेगी। इससे राज्य के 38,400 आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के अध्ययनरत 15.36 लाख बच्चों को सीधा फायदा होगा। दरअसल पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने आंगनबाड़ी बच्चों को कुपोषण से दूर करने और उसे पौष्टिक भोजन के तहत अंडा वितरण करने का निर्णय लिया था। पूर्व सीएम ने घोषणा की थी कि मुर्गी पालन करने वाली ग्रामीण महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूहों से अंडा लिया जाएगा, मगर जितने संख्या में अंडा चाहिए वह पूरी नहीं हो पा रही थी। इसके बाद यह योजना कई तकनीकी पेच में फंस गया था। आदम सेना मुस्लिम युवतियों पर ढा रही जुल्म, घर में घुसकर छेड़खानी। झारखंड के रामगढ़ जिले में इन दिनों एक सेना के खौफ में मुस्लिम महिलाएं जी रही हैं। इस सेना का नाम है आदम सेना। आरोप है कि आदम सेना के लोग मुस्लिम महिलाओं पर जबरन शरिया कानून थोप रहे हैं और उसकी आड़ में घरों में घुसकर मुस्लिम युवतियों से छेड़खानी भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट के मुताबिक आदम सेना का उद्देश्य शरिया कानून का प्रचार करना और उसे लागू करना है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि आदम सेना के लोग मुस्लिम युवतियों को हिंदू पुरुषों से बात करने और बुर्का नहीं पहनने पर कार्रवाई की चेतावनी दे रहे हैं। आरोप है कि सेना की बात नहीं मानने पर मुस्लिम युवतियों को रेप कर फेंक देने और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। राजमहल में 2 घरों में लगी आग, भारी नुकसान। तालझारी प्रखंड के राजमहल थाना क्षेत्र के मोकिमपुर कमलैन बगीचा में बुधवार को 2 घरों में आग लग गई। इसमें भारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। आग सबसे पहले शाम करीब 4 बजे संजय मंडल के घर में लगी थी। देखते ही देखते पूरा घर धो धो कर जलने लगा। संजय मंडल की पत्नी कायल देवी ने शोर मचाते हुए आसपास के लोगों को जुटाई और आग बुझाने में जुट गए। काफ़ी मकसद के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक घर का सारा सामान जल चुका था। आग इतनी विकराल थी कि समीप की पुष्पा देवी के पक्का मकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। उसके घर की खिड़की और कुछ घरेलू सामान जल गए हैं। बोकारो डीसी ने सर्वजन पेंशन के लाभुकों को सौंपा स्वीकृति पत्र। बोकारो के डीसी विजय जाधव की अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय में मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभुकों को प्रथम किस्त भुगतान व आंगनबाड़ी कर्मियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उपायुक्त ने कहा कि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के निर्देशानुसार 50 से 60 आयु वर्ग के सभी महिलाओं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के पुरुषों को मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत जोड़ने का निर्णय लिया गया। उन्होंने सांकेतिक रूप से स्वजन पेंशन योजना के 4 लाभुकों को पेंशन की प्रथम किस्त का स्वीकृति पत्र सौंपा। साथ ही लाभुकों के खाते में पहली किस्त की राशि भेजी गई। मौके पर उपायुक्त द्वारा बच्चे को खीर खिलाकर अन्नप्रसन्न एवं गर्भवती महिलाओं को गोद भराई की रस्म भी की गई है। कल्पना सोरेन बोली, हर हाथ तीर कमान थामेगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हो गई है। साहेबगंज जिले में बुधवार को राजमहल के आयशु के बड़े नेता एमटी राजा को पार्टी में शामिल कराने के बाद कहा है कि हर हाथ तीर कमान थामेगा, झामों का कारवा बढ़ता जाएगा। कल्पना सोरेन ने कहा कि साहेबगंज से आयशु नेता एमटी राजा जी का झामो परिवार में हार्दिक स्वागत और जोहार। उन्होंने एक बार फिर कहा है कि हेमंत सोरेन को षड्यंत्र के तहत परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन झारखंड के जन नेता हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। ऐसे विपक्ष की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वहीं कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन के सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट करते हुए बातें कही। उन्होंने आगे लिखा है कि न झारखंड झुका है न झारखंडी झुकेगा, हेमंत है तो हिम्मत है। धनबाद में हाईवा ने बस को मारी टक्कर, छात्रा की मौत, कई घायल। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना अंतर्गत बरवा पूर्व ईस्ट इंडिया मोड NH2 कोलकाता लेन पर बुधवार को अपराह्न करीब 3 बजे धनबाद से चिरकुंडा जा रही यात्री बस को हाईवा ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बस की पिछली सीट पर बैठी निरसा के भेलाई गाँव निवासी उत्तम चंद्रा की बेटी अर्पिता चंद्रा उर्फ ऋतु चंद्रा की मौत हो गई है। झूठ व लूट की सरकार को उखाड़ कर झारखंड में बनाए NDA की सरकार। बोकारो जिले के चंदन क्यारी प्रखंड के खेदाडीह मैदान में बुधवार को आयशु पार्टी का कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य रूप से मौजूद आयशु सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा है कि कांग्रेस व झामो की गठबंधन सरकार दिन में झूठ बोलती है और रात में लूट करती है। उन्होंने कहा है कि चंदन क्यारी उनका घर है, इसलिए घर के सदस्य उनके साथ खड़े रहे।
चंदन कियारी से भी एनडीए के प्रत्याशी को मजबूत करे। सुदेश महतो ने कहा है कि एनडीए का प्रत्याशी कौन होगा इसकी चिंता अपने परिवार के बेटे सुदेश के ऊपर छोड़ दे, क्योंकि पर्दे के पीछे किसी को रोकने की तैयारी चल रही है। जो मुखिया का चुनाव नहीं जीते हैं वह बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, जात पात पर भ्रम फैलाया जा रहा है। रांची की अदालत ने अमीषा पटेल को दिया एक और मौका। अमीषा पटेल को रांची की अदालत से एक बार फिर मौका मिला है। रांची की अदालत ने अमीषा पटेल को आखिरी मौका देते हुए 3 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में गुरुवार को सशरीर कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा है। इस मामले में अब अभिनेत्री अमीषा पटेल के भी तेवर नरम पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि वह पैसे लौटाने के लिए तैयार है। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया है कि 5 किस्तों में उन्हें 2,75,00,000 रुपए लौटाने का मौका दिया जाए। वह 3 करोड़ रुपए नहीं देना चाहती। बता दें कि कोर्ट की कार्यवाही की वजह से उनके लिए CRPC की धारा 313 के तहत कोर्ट में हाजिर होना जरूरी होगा। अभिनेत्री अमीषा पटेल के इस आग्रह पर कोर्ट ने कहा है कि एक्सट्रेस जो कह रही है वह लाजमी है, लेकिन कोर्ट की कार्यवाही को नजरअंदाज करना उस पर भारी पड़ सकता है। छह नृत्य कलाकार परीक्षित महतो को मिला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। बोकारो जिले के चंदन कियारी प्रखंड के खेड़ा बेड़ा गांव निवासी 6 कलाकार परीक्षित महतो को बुधवार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार प्रदान किया है। परीक्षित महतो ने पुरस्कार मिलने पर खुशी जताई है। भारतीय संस्कृति की लोक कला छव को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि हमारी कला संस्कृति जीवित रहे। उन्होंने कहा है कि चंदन कियारी की जनता और हमारे टीम के सहयोग से मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। साहेबगंज से 50 लाख की विदेशी शराब जब्त। झारखंड के साहेबगंज जिले में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घर में रखी करीब 50 लाख रुपए मूल्य की शराब जब्त की है। शराब को जब्त करने के बाद 4 वाहनों में भरकर पुलिस उसे थाने ले आई। जानकारी के मुताबिक साहेबगंज जिले के रांगा थाना क्षेत्र अंतर्गत शर्मापुर रजवा टोला में रांगा थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह ने मंगलवार को छापेमारी की है। इस दौरान एक घर में करीब 500 पेटी विदेशी शराब मिली। पुलिस ने उसे जब्त कर लिया है। जब्त शराब की सभी बोतलें पंजाब में बनी है, इन पर MRP अंकित नहीं है। अगले 3 महीने में झारखंड में होगी नौकरियों की बारिश। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि उद्योग एवं श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग मिलाकर मजदूरों के कल्याण के लिए काम करे। दोनों विभाग के पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को समझे और पूरी तत्परता के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन करें। मंत्री मंगलवार को झारखंड के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 तथा अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के क्रियान्वयन एवं उद्योग सुरक्षा दिवस सप्ताह पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत युवक युवतियों को हुनरमंद बनाने का काम किया जा रहा है। इसके तहत राज्य के 80 प्रखंडों में प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। वहीं प्रमंडलों में भी प्रशिक्षण देकर राज्य के युवक युवतियों को विभिन्न कंपनियों में रोजगार देने का काम किया गया। उन्होंने कहा है कि जून 2024 तक राज्य के लगभग 20,000 युवक युवतियों को रोजगार से जोड़ने का काम किया जाएगा। धन्यवाद।